अच्छा, हमारे साथ ये है क्योंकि मेरी जो जनरेशन है, हाँ, हम लोग कराची शिफ्ट हुए थे। हाँ, मुझे 30 साल हो गए कराची में। अच्छा। एंड हम लोग फर्स्ट, मतलब कि आई वाज जस्ट 1 ईयर ओल्ड, हम लोग जब शिफ्ट हुए थे कराची में। उससे पहले सारी एक जो माइंड सेट सब कुछ विलेज वाला, गांव वाला, तो वो उनको बदलते बदलते टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। और वो काफी कुछ बदल भी गया क्योंकि हमारे वहाँ जो है वो लड़कियां पढ़ती नहीं थी। तो यहाँ आके क्या हुआ कि मुझ गुनाहगार ने ये स्टैंड लिया कि कम से कम हमारे घर की लड़कियों को एटलीस्ट मैट्रिक तो लाजमी। आपकी बीवी पढ़ी है? अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब लाइक वो आप, मतलब वो पहले से ही वो था या आपके कहने के बाद? या 6th क्लास तक तो उनका माइंड था कि यार वो, क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है कि शादी तो खानदान में ही करनी है, या फिर लड़की ने जॉब तो करनी नहीं है, तो इतनी पढ़ ले कि बच्चों को तरबियत करने में बेहतरी हो। जब आपने अपनी, आपकी दादी ने आपसे कहा कि भाई कुछ भी करो, एक्टिंग करो, कुछ करो, शादी तुम्हें खानदान में करनी होगी, तब छोटे थे आप, बिल्कुल शादी वाली उम्र थी या नहीं? ये मैं बात कर रहा हूँ, आई वाज 18 इयर्स ओल्ड। अच्छा। तो मैं जब स्ट्रगल स्टार्ट की थी, हाँ, तो उस वक्त की बात। उस वक्त आपकी बीवी पढ़ रही थी? हाँ, उस वक्त हाँ, हाँ, पढ़ रही थी ऑब्वियसली। और मतलब आपकी दादी को ये पता था कि आपको पढ़ी लिखी लड़की चाहिए अपने लिए? ये एक आई एम ब्लेस्ड कि दादी, इवन के वो विलेज से हैं, गांव से, लेकिन एक सेंस उनको, दादा को, दादी को ये था कि यार ये पैर जो है, इनायत अगर एजुकेटेड तो ये पैर अच्छा लगेगा हमारे खानदान में, क्योंकि बाकी भी लड़कियां थी, लेकिन उनको ये वाला ऑप्शन अच्छा लगा। अच्छा। जो कि उनको पता था कि मैं इनकार भी नहीं कर पाऊंगा, तो वो ऐसा ही हुआ। अच्छा। तो वो एक मिस मैचिंग नहीं हुई। अच्छा। उनको लगा था कि यार ये तो अच्छे लगेंगे एक साथ, दोनों एजुकेटेड भी हैं, तो ये इस तरह का एक सिनेरियो था। लेकिन मेरी वाली जो कहानी ये थी कि मेरी वाइफ की, वो मेरे स्टैंड लिया था कि मैंने कहा 6th क्लास नहीं भाई, एटलीस्ट मुझे कम से कम लड़के, मैं तो चाहता हूँ कि कम से कम इंटर हो, लेकिन ये कि बड़ी लड़की मैंने मैट्रिक करवाया था। अच्छा, तो आपके कहने पे, आपकी ख्वाहिश की वजह से पढ़ी थी वो? हाँ बिल्कुल, मेरी ख्वाहिश की वजह से। और वो उनको खुद शौक था या उन्होंने बस मंगेतर की खातिर? नहीं नहीं, शौक था उनको, इसलिए पर मैंने स्टैंड लिया ना। अच्छा। क्योंकि आप जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। हाँ, हाँ। एक चीज में अगर आप आपकी इंटरेस्ट हो आपका किसी भी चीज में, तो आप फिर दिल से करते हैं चीजों को ना। तो उन्होंने फिर मुझे, मैंने बात की कि भाई आप पढ़ना चाहते हैं? जी मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो वो फिर मैंने इजाजत, मैंने कहा भाई मुझे कुछ भी करें आप, दादा क्योंकि हमारे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड, हमेशा जो है ना वो डोमिनेटिंग रहे। पिक्चर्स भी हमारे पास है, दिखाओ दिखाओ कौन सी पिक्चर्स है, देखो। आई लव स्वीट। हां, थैंक यू सो मच। हां, और दिखाओ दूसरी पिक्चर, क्या हो गया? हां, अच्छा आपने स्पेशली फोटो शूट कराया है? हां, ये मैंने, ये खानदान में आप कह सकते हैं पहला फोटो शूट मैंने ही करवाया। तो अब मतलब लाइक पर्दा करती हैं वो, लेकिन खानदान ने इजाजत दे दी थोड़ा सा एक? हां, ये देखिए, इतना तो जब मियां राजी, मैंने कहा ना कि मैं आस्ता आस्ता उनको लेके आ रहा हूँ, आस्ता आस्ता लेके आ रहा हूँ, स्कूल तक ले आया, उसके बाद अब यहाँ तक भी ले आया हूँ। देखिए ये भी एक मोहब्बत की कहानी है कि लाइक आप, जिससे आपकी मंगनी हो रही है और आप वो पढ़ना अगर चाहती हैं तो उनके लिए आप स्टैंड ले रहे हैं, लड़कियां नहीं पढ़ती। दिस इज ऑल्सो आई थिंक ये भी एक मोहब्बत की कहानी है कि आप उनको पढ़ने का मौका फरहम करें, उनके लिए स्टैंड लेके खड़े होकर।